Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. Today's topic is MRI system. In this video, you will be crystal clear about the MRI system. बिल्कुल क्लियरेंस हो जाएगा MRI system क्या है, क्या इसमें कंपोनेंट होते हैं और क्या पार्ट्स हैं. तो कंपोनेंट्स ऑफ MRI system की बात करें तो पहला मैग्नेट, फिर शिम कॉइल, ग्रेडिएंट कॉइल, RF कॉइल, कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज. अब पहला है पॉइंट मैग्नेट. मैग्नेट की बात करें तो हार्ट ऑफ MRI बोलते हैं इसको, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ MRI सिस्टम. मेन वर्क क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना. थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेट यूज होते हैं क्लिनिकल MRI में. फर्स्ट वन परमानेंट मैग्नेट, सेकेंड वन इलेक्ट्रोमैग्नेट, देन थर्ड वन इज सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट. सो मैग्नेट में फर्स्ट पॉइंट है परमानेंट मैग्नेट का. परमानेंट मैग्नेट क्या है, मेड अप ऑफ अल्निको. अल्निको क्या है, अल्निको इज दी फुल फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, जो कि है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में. नो नीड ऑफ पावर सप्लाई, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट है तो इलेक्ट्रिसिटी की कोई नीड नहीं है, और इससे ओपन MRI पॉसिबल है. 0.2 से 0.5 टेस्ला मशीन तक रेंज होती है, इसलिए इसमें वेरी लो रेंज है, तो वेरी लो SNR है. एंड ऑल्सो ड्रॉबैक्स क्या है कि इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कर सकते, स्पेक्ट्रोस्कोपी कांट बी डन बाय दिस, स्पेशली यू कैन से इन द ओपन MRI सिस्टम, जिसमें क्लोस्ट्रोफोबिक पेशेंट के लिए बेस्ट मशीन होती है. इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल पे काम करता है, जो कि चार्ज इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एग्जांपल ले तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं लाइक गैडोलिनियम, जो कि हम कंट्रास्ट के तौर पे यूज़ करते हैं. सेकंड वन इज ऑक्सीजन एंड देन इज मिलानिन. फिर आता है डायमैग्नेटिज्म. दे रिपेल बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड दे हैविंग नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, मीन्स दे हैविंग लो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यू कैन से दैट. फेरोमैग्नेटिज्म वही है अल्निको, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे, इवन नॉट लूजिंग मैग्नेटिज्म, जिससे कि हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं. एग्जांपल के तौर पे आप आयरन, कोबाल्ट एंड निकल ले सकते हैं एंड एलुमिनियम आल्सो. फिर आता है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक, जिसमें दो सब्सटेंस होते हैं नियोबियम एंड टाइटेनियम, जो कि सुपर कंडक्टिंग नेचर शो करते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर में. सुपर कंडक्टिंग की खासियत बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसकी सबसे हाई होती है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस को बिल्कुल ही एलिमिनेट किया जाता है, जिससे कि एक बार करंट छोड़ने पर बिल्कुल सेम मात्रा में करंट रहता है. इसका स्ट्रक्चर हम बाद में डिस्कस करेंगे. देयर इज़ नो पावर लॉस एंड कंटिन्यूस पावर सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मैग्नेटिक फील्ड. ये खासियत है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन रहती है. प्लीज सब्सक्राइब इफ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.